अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएनएम कोर्स के बारे में, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसके बारे में हम इस वीडियो में देख लेंगे कि कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, और जम्मू कश्मीर में आप जीएनएम में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जीएनएम मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें आर्ट्स वाले भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जीएनएम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जानेंगे, जीएनएम कोर्स होता क्या है। देखिए, जीएनएम की अगर हम फुल फॉर्म देखें, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक, ये बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा होता है। बीएससी नर्सिंग जो हमारा होता है वो 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है, और जीएनएम जो होता है ये डिप्लोमा होता है बीएससी नर्सिंग का ही, आप समझ लीजिए 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। ये मेडिकल फील्ड का वही एक कोर्स है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें आर्ट्स वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर आपका 11th 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट रहा है, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में जाने का, नर्सिंग फील्ड में जाने का, तो आप इजीली जीएनएम कोर्स को करके मेडिकल फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। एज ए नर्स आप किसी भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये काफी अच्छा कोर्स आपके लिए रहने वाला है, इसकी डिमांड भी काफी अच्छी है और आने वाले दिनों में भी इसकी डिमांड काफी ज्यादा यहां पर रहने वाली है। तो यह हो गया थोड़ा सा आपको जीएनएम के बारे में। तो अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, तो एलिजिबिलिटी में वो कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर में जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास जम्मू कश्मीर यूटी की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी या यूटी लद्दाख की एसटी सर्टिफिकेट होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूटी लद्दाख के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होती है, उनको एसटी सर्टिफिकेट जो होती है उसी को ट्रीट किया जाता है एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ आपको इसमें एज का यूजुअली कोई क्राइटेरिया होता नहीं, लेकिन तो भी मिनिमम आपको 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अगर किसी की उससे भी थोड़ी सी कम है तो भी कोई इशू है नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे इस बात नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें यहाँ पे आपका 10+2 आपका पास होना चाहिए, यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए। फिर आपका साइंस से अगर है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपका 8th से 12th पास है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें अगर मिनिमम मार्क्स की मैं बात करूं, तो क्लास 12th में आपका चाहे 8 से हों या मेडिकल से हों, अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो है वो 40% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, तब जाके आप एलिजिबल हैं जीएनएम एडमिशन लेने के लिए जम्मू कश्मीर में। और अगर आप किसी भी रिजर्वड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आरबीए हो, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएसपी, जेके, पीएम, तो उसमें आपको 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th में, जो हर कैंडिडेट के 40-50% तो हर कैंडिडेट के होते हैं, तब जाके आप जो है वो जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं जम्मू कश्मीर में। उसके साथ साथ वो सारे कैंडिडेट्स जीएनएम के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने 10th बेस्ड डिप्लोमा यानी कि एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू किया होगा, तो वो जीएनएम में एज ए लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकते हैं। और वो कैंडिडेट्स भी इसमें जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने एएनएम किया होगा। एएनएम डिप्लोमा हमारा होता है 12th बेस्ड डिप्लोमा होता है, 12th के बाद ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। जिनके पास एएनएम का डिप्लोमा होगा या 10th के बेस पे जीएनएम, इन्होंने 10th के बेस पे एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू किया होगा, ये एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू 1.5 या 2 साल के कोर्स होता है, वैसे 1.5 साल का ही ये डिप्लोमा होता है, तो अगर आपने ये भी किया भी आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, ठीक। एएनएम अगर आपने किया है 12th बेस, तो उसमें आपको 40% मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए, बाकी एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप एज ए लेटरल एंट्री यहां पे एडमिशन इसमें ले सकते हैं। कोर्स के ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, तो कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो यहां पे आपका 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल में ये कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाता है। और जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं, तो जम्मू कश्मीर में आपको काफी सारे मेडिकल प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में करवाया जाता है। यहां तक तो आपको जीएनएम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अब यहां पे हम थोड़ा सा सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, तो फॉर्म्स कहां से लगते हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, वो हम यहां पे जान लेंगे। तो अगर आपको जीएनएम जम्मू कश्मीर में करना है, तो उसके लिए जो आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है, वो कॉलेज वाले आपको खुद से एडमिशन नहीं देंगे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, कुछ भी हो, वो आपको एडमिशन खुद से यहां पे नहीं दे सकते हैं। उसके लिए एडमिशन कहां से आपको करना पड़ेगा, उसका एडमिशन जेके बोपी के थ्रू आपका हो जाता है। एक ही एडमिशन आपका हर जगह जम्मू कश्मीर लद्दाख में होता है, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक ही एडमिशन होता है। एडमिशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, देखिए, जेके बोपी एडमिशन नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक, 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की, उसी में हमारा जीएनएम भी आता है और एएनएम भी उसी में एडमिशन उनका होता है, तो उसमें सेपरेटली मेंशन होता है जीएनएम, एएनएम एंड 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक। तो जो ही ये एडमिशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम यहां पर दिया जाएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो जेके बोपी की वेबसाइट पर करनी होती है, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसके लिए आपको 1000 फी पे करना पड़ता है, ज्यादा कुछ फी करने की जरूरत नहीं। आप रजिस्ट्रेशन खुद अपने फोन से भी कर सकते हैं, साइबर कैफे पे जाके भी कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन वाले के पास भी जाकर कर सकते हैं, तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, जहां पे आपकी मर्जी है। जब फॉर्म्स आ जाएंगे हम आपको पूरी गाइड करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, उसके बाद जीएनएम में आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं होता, इसमें जो सिलेक्शन आपकी होती है वो 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होती है, 12th के मार्क्स के बेस पे आपको यहां पे सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जेके बोपी आपकी एक मेरिट लिस्ट रिलीज कर देगी, जिसमें आपको अपने 12th के मार्क्स के बेस पे रैंक बता दी गई होगी, ठीक, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे ऑब्वियसली उसके रैंक भी
अच्छी खासी होगी, जिसके कम होंगे उसको रैंक भी 3000-4000 इस तरह से चलती जाती है, आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक बन जाती है। तो रैंक लिस्ट जो ही आ जाएगी उसके बाद फिर से एक जेके बोपी नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा कहाँ पे? एक इसका श्रीनगर में भी इसकी काउंसलिंग होती है, और जम्मू के जो कैंडिडेट या लद्दाख के जो कैंडिडेट्स होंगे वो जेके बोपी ऑफिस जम्मू जा सकते हैं। ठीक, तो दोनों जगहों पर आपकी मर्जी, आप जम्मू चले जाओ या श्रीनगर चले जाओ, जहाँ पर आपको मर्जी आप वहाँ पर आप जाके अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग किस तरह से आपने करनी है और काउंसलिंग में आपका क्या होता है, देखिए अब जो ही आपका दिन होगा, मतलब हर दिन 500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, जिस दिन आपका शिफ्ट होगा आप चले जाओगे, 2 घंटे में काउंसलिंग निपट जाती है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको एक काउंसलिंग का फॉर्म जो है वो वहां पे मिल जाता है, तो वो आपको वहां पे लेना पड़ेगा। उस टाइम आपको 1000 फिर से फी देना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक, वो फॉर्म जो ही आपको मिला, आपको उसमें 4-5-6 कॉलेजेस का नाम देना पड़ता है, या 10 कॉलेजेस भी आप रख सकते हैं, जितने उधर जगह होगी तो उस हिसाब से आप कॉलेजेस रखने हैं आपको वहां पे। उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपका कॉलेज है जीएमसी श्रीनगर, उसमें अगर आपको करना है, या जीएमसी बारामूला में करना है, या एमटी श्रीनगर में आपको करना है, तो उसका नाम आगे जीएनएम कोर्स आपको लगा लेना है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से आप 5-7 कॉलेजेस वो रख लेंगे वहां पे, और एप्लीकेशन जो काउंसलिंग का फॉर्म आपका है वो आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद जेके बोपी जो होगी वो एक सिलेक्शन लिस्ट निकालती है, आप जिस हिसाब से आपने काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें 5 कॉलेजेस रखे तो उन 5 कॉलेजेस में देखा जाएगा कि आप किस कॉलेज के कट ऑफ में आ जाते हो। ठीक, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस रखोगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कट ऑफ ज्यादा होगा, प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ कम होता है। तो उसी हिसाब से जिस कॉलेज के आप कट ऑफ में आ जाओगे वो एक कॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक, वो जो ही आपको दिया जाएगा सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, उसके तुरंत बाद दूसरे दिन आपको 8-10 दिनों में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है और आपकी क्लासेस यहां पे लग जाती है। सिलेक्शन का प्रोसीजर तो आपको मैंने समझा दिया, पूरा डिटेल में समझा दिया। एंट्रेंस कोई भी यहां पे नहीं होता, इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होती है। एंट्रेंस आपको इसमें कुछ भी नहीं लगता है, मार्क्स के बेस पे आपकी यहां पे सिलेक्शन हो जाती है। यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब देख लीजिए जो जीएनएम हमारा होता है इसमें सीट्स कितनी होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 100+ कॉलेजेस हैं जहां पे आपको जीएनएम करवाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, फिर गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, एएमटी स्कूल्स वगैरह भी हैं, तो टोटल 100+ यहां पे हैं। उनमें सीट्स की अगर मैं बात करूं, सीट्स इसमें 4165 यानी कि 4000+ सीट्स हर साल फिल करवाई जाती हैं। तो इसमें आर्ट्स वाले भी कैंडिडेट जा सकते हैं, मेडिकल वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें है, 4000 सीट्स बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं, हर साल 4000 सीट्स यहाँ पे फिलअप होती हैं। तो फिर हर साल इतनी सीट्स तो फिलअप नहीं होती, इसमें काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं क्योंकि उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं होते हैं। अब यहाँ तक आपका समझ आ गया। अब यहाँ पे हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में और सेफ स्कोर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए फीस स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट कॉलेज में होता है वो आपको 8-10-15 हज़ार तक या 20 हज़ार तक ज़्यादा से ज़्यादा फी चला जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो 60-70-80 हज़ार भी आपको फी जो है वो वहाँ पे ईयरली लग सकती है। ठीक, ईयरली आपको 60-70-80 हज़ार तक भी फी लगेगी। उसके बाद फिर हॉस्टल मेस वगैरह वो आपको सेपरेट अपना देखना पड़ेगा, कॉलेज का है तो वहाँ पे ले सकते हैं, प्राइवेट आप कहीं पीजी या रेंट कहीं पे भी आप बैठना चाहें वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आपको अपनी मर्जी है, कोई इशू उसमें यहाँ पे नहीं रहेगा। उस तरह से आपका यहाँ पे इसमें रहता है। अब आपको पता है कि 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होती है, तो इसमें आपका 12th का स्कोर कितना होना चाहिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 12th में मैंने आपको पहले बोला जो एलिजिबिलिटी के लिए आपको 40% मार्क्स होनी चाहिए और 35% ओपन मेरिट रिजर्वेड कैटेगरीज वालों के लिए। लेकिन सिलेक्शन के लिए जो क्या कट ऑफ होता है, तो उसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो उसमें आपको 75-80 के प्लस परसेंट मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 80% के प्लस आपको 12th में है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 80 के बिलो है तो आप प्राइवेट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप ओपन मेरिट से हैं। बाकी रिजर्वेड कैटेगरी वाले कैंडिडेट अगर उनको 75+ भी हैं तो भी उनको यहाँ पे चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। अब यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट का कोई इशू नहीं होता है, दोनों जगहों पर आपका सेम होता है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट में यह होता है आपका फी का मसला होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फी कम होती है, प्राइवेट में आपको ज़्यादा होती है, यही मसला होता है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसमें मसला होता नहीं है। तो जीएनएम जब आप अपना कंप्लीट करोगे उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए उसके बाद फिर से जेके बोपी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स निकालती है। ठीक, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 2 साल का होता है, उसमें जीएनएम वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो जब आप जीएनएम करके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लोगे 2 साल में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। एक तो 3 साल का आपका जीएनएम हो गया, 2 साल का आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट यहाँ पे 2 स्टेप्स में हो जाएगी। एक तो आप डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेके 4 साल में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम करके आप 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे मौका मिलता है। 3 साल आप जीएनएम कीजिए, 2 साल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कीजिए, उसके बाद 5 साल में आपका जीएनएम कंप्लीट, सॉरी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट, तो आपको 5 साल में बीएससी नर्सिंग की बराबर यहाँ पे मतलब कि बीएससी नर्सिंग की सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगी। आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स भी बीएससी नर्सिंग इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो हमारा होता है उसके भी फॉर्म्स जेके बोपी ही निकालते हैं।
मिलती है। अब यहाँ पे बात आ जाती है जेएनएम के बारे में, तो मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अब इसकी डेट्स क्या है, कब से आपके फॉर्म लगेंगे, देखिए इसके फॉर्म जो होंगे मैंने पहले बोला 12th बेस्ट डिप्लोमा के साथ लगते हैं, तो फॉर्म आपके जो है वो मई के बाद ही आपको आ जाएंगे, तो मई एंड वीक के बाद आप या जून के पहले वीक में आपको जो है वो 12th बेस्ट डिप्लोमा के फॉर्म आ जाएंगे, उसी में हमारा जेएनएम की भी यहाँ पे प्रोसेस होती है। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। जेएनएम के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगता है मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अब इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मिस हुआ होगा, तो स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग वो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मैं आपको वहां से प्रोवाइड कर सकता हूं।